free of the best and easy attack strategy for Town Hall 13 players in 2024. Light work and the bass on the track on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, pay straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles all around with the hate in the cap. तो नंबर वन पे हमारी आती है एक बहुत ही इजी ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजी जो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों यहाँ पे अपनी येटी स्पैम करने एंड हर येटी के पीछे आप एक एक सुपर आर्चर डाल दोगे एंड इतना करने के बाद अपनी लॉग लॉन्चर के ड्रॉप होने के बाद अपने हीरोज को ड्रॉप कर दोगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 6 बैट स्पेल्स हैं जिनको हम आगे यूज करेंगे अटैक में जब यहाँ पे लास्ट में कुछ बिल्डिंग्स बचेंगी। और यहाँ पे हम लोग वार्डन के साथ यूज कर रहे हैं भाई रेज जेम एबिलिटी। और रेज जेम एबिलिटी क्या करता है, पूरे टाइम यहाँ पे ट्रूप्स को ना एक रेज इफेक्ट में रखता है 20% बूस्ट के साथ, वो भी लेवल 1 पे। तो ये एबिलिटी आप लोग स्विच कर लेना लाइफ जेम के साथ अगर आप लाइफ जेम अभी तक यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे किंग की एबिलिटी यूज हो गई है, सीसी बाहर आ चुकी है, सीसी यहाँ पे बिल्कुल कोई टेंशन दे ही नहीं पाएगी। वार्डिंग की एबिलिटी प्लस यहाँ पे हमारी क्वीन सीसी को भी निपटा देगी। बस एक दिक्कत यहाँ पे है जो कि ये लावा पफ जो भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भाई आप लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रो टाइटन ले सकते थे अगर आप टाउन हॉल 14 पे होते, पर आई गेस टाउन हॉल 13 पे वो पॉसिबल नहीं है। बात करें भाई यहाँ पे अभी अपने जो सुपर आर्चर्स हैं वो स्टिल यहाँ पे जिंदा हैं, जो कि आप उस साइड पर देख पा रहे होगे ऊपर तरफ से, जो यहाँ पे गोल्ड स्टोरेज के आसपास 4-5 सुपर आर्चर भी हैं। येटी सारे खत्म हो गए आई थिंक, लेकिन हमारे पास अभी क्वीन एंड रॉयल चैंपियन की एबिलिटी के साथ साथ 6-6 हमारे पास बैट स्पेल बचे हैं। भाई 6 बैट स्पेल इस पूरे बेस को ना कच्चा चबा जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से अपने फ्री स्पेल को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्री स्पेल आपको विजार्ड टावर पे हमेशा यूज़ करना है, इसका ध्यान रखना। जैसे कि अभी इस वाले केस पे भी देखोगे हम विजार्ड टावर के ऊपर फ्री स्पेल डालते ही भाई अपने सारे के सारे बैट स्पेल डाल देते हैं एंड अब यहाँ पे कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता हमारे बैट स्पेल का। यहाँ टोर्नेडो ट्रैप जरूर निकल गया पर स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बैट स्पैन होंगे, हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं 6 बैट स्पेल। तो लास्ट में बस आपको विजार्ड टावर और मल्टी इन्फर्नो से और स्कैटर शॉट से अपने बैट्स को बचाना है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। यहाँ पे 2 फ्री स्पेल स्वैग भी कर दिए गए हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हो एंड ये बेस हो चुका है यहाँ पे 3-स्टार। सो दिस वॉज द अटैक नंबर 1। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बढ़िया है, जो लोग ग्राउंड अटैक्स करते हैं ईजी कुछ चाहिए भाई तो डेफिनेटली इसको आप ट्राई करिए, और बहुत ही तगड़े बेस के ऊपर अटैक किया गया था। नेक्स्ट अटैक हम लोग देखने वाले हैं एक एयर अटैक स्ट्रैटेजी, वो भी सिमिलर होगी, काफ़ी ईजी मस्त और यहाँ पे रिलायबल। तो चलिए चलते हैं भाई अटैक नंबर 2 पे। वेलगीज इस वाली स्ट्रैटेजी में हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ड्रैगन्स और अपने ड्रैगन राइडर्स को, और स्टार्टिंग यहाँ पे ब्लिम के साथ होगी, सुपर आर्चर ब्लिम के अंदर होने वाली है। तो पहले हम लोग लावा हाउंड को डालेंगे ताकि हमारी ब्लिम यहाँ पे सेफली टाउन तक पहुँच जाए एंड कुछ केसेस में आप लोग वार्डिंग की एबिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको भाई यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है कि हमारा ब्लिम पहुँच पाएगा कि नहीं टाउन तक। यहाँ पे थोड़ा साइड से डाल दिया गया ताकि आराम से टाउन तक हमारी ब्लिम पहुँच जाए एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सारा रीजन है ब्लिम को क्लियर करने के लिए सुपर आर्चर्स को। सीसी बाहर आ चुकी है, सीसी में येटीज थे एंड साथ ही में पहले एक चीज जो हमें मेक श्योर करनी है वो है टाउन हॉल। सीसी के अंदर यहाँ पे लिए गए हैं भाई 2 अपने सुपर विजार्ड और 2 अपनी सुपर आर्चर्स, जो भी यहाँ पे मिक्स कॉम्बिनेशन होता है ब्लिजार्ड और सुपर आर्चर ब्लिम का वो आपको यूज़ करना है। एंड यहाँ पे अपोनेंट के लगता है 2 हीरोज भी डाउन हो गए हैं, साथ में टाउन हॉल भी डाउन हो गया है एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे विजार्ड टावर और एक स्कैटर शॉट भी डाउन हो गया है। तो काफ़ी ठीक ठाक 18% की वैल्यू हम लोगों को ब्लिम से मिल गई है। इसके बाद अब ड्रैगन स्पैम होगा ये ईगल वाली साइड पर, यहाँ पे जहाँ पे जो आप नीचे की तरफ जगह देख रहे हो विजार्ड टावर वाली, वहाँ से हम लोग पूरे के पूरे अपने ड्रैगन स्पैम कर देंगे एंड पीछे से हमारे वार्डिंग की ऑफ कोर्स रेज जेम वाली एबिलिटी। रेज जेम एबिलिटी हर अटैक में आप लोग देखोगे, तो मेरा सबसे पहले आपके लिए सजेशन ये रहेगा अपने रेज जेम को मैक्स कर लो भाई साहब, मैक्स नहीं एटलीस्ट लेवल 10-15 कर लो भाई जल्दी से जल्दी। एंड उसके ही दूसरे थोड़ा आगे साइड से हमने हीरोज भी ड्रॉप कर दिए, क्योंकि हीरोज भी यहाँ पे ना थोड़ी सी फनल क्रिएट कर देंगे, सारे ड्रैगन्स को एक पाथ बना के दे देंगे एंड एक साइड से बेबी ड्रैगन ने भाई कितनी खतरनाक पाथ बना दी आप देख सकते हो, बेबी ड्रैगन के लिए कितना कुछ निकालने के लिए वहाँ पड़ा हुआ है विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड यहाँ बीच में जब कोर में हमारे ट्रूप घुसने लगे तो वार्डिंग की एबिलिटी भी हमने यूज़ कर ली, तो आपको भी सिमिलर वे में जब कोर में आपके ट्रूप के ऊपर बहुत ही हैवी अटैक हो तब आपको वार्डिंग की एबिलिटी का यूज़ करना है। एंड फिलहाल तक तो भाई कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, अटैक में एकदम स्मूथ परफेक्टली अटैक जा रहा है इस बेस के ऊपर। एंड रेज वाली जो एबिलिटी है ना भाई वार्डन की, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना जल्दी यहाँ पे डिफेंसेस को निकालने में हेल्प करती है। यहाँ पे अपना ड्रैगन राइडर जो काफ़ी कम यहाँ पे डैमेज पर सेकंड देता है, वो भी यहाँ पे इस विजार्ड टावर को 3-4 हिट्स में निकाल देता है। रॉयल चैंपियन यहाँ पे भाई थोड़ा फंस गया मुसीबत में, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ये इन्फर्नो टावर रॉयल चैंपियन आराम से निकाल लेगी। एंड इसी के साथ ये अटैक तो कुछ ज़्यादा ही स्मूथली चला गया भाई, यहाँ पे कोई भी ऐसा लगा ही नहीं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज में कि कोई दिक्कत आई हो। एंड अब नेक्स्ट अटैक में हम लोग यहाँ पे एक लाइव अटैक करेंगे टाउन हॉल 13, टाउन हॉल 12, टाउन हॉल 11 सभी की एक वन ऑफ द बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी, जो कि यहाँ पे थोड़ी क्रिएटिव जरूर है, ईजी तो मैं नहीं बोलूंगा, पर अगर आप उसको यहाँ पे थोड़ा भी मतलब
10% भी यहाँ पे एफर्ट डाल के कर दोगे ना भाई, तो आप लोग 90% बेसिस उड़ा सकते हो स्ट्रेटजी से, वो इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है। जी गाइस, हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड की, तो नेक्स्ट अटैक में हम लोग यहाँ पे एक लाइव अटैक देखने वाले हैं हाइब्रिड का। थोड़ा पुराना अटैक है पर भाई अटैक अभी भी एकदम सेम तरीके से अगर आप करते हो तो काम करेगा। बाकी गाइस, इससे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन, यार आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो किस टाउन हॉल के लिए देखना चाहते हो, सेम जैसे ये वाली वीडियो टाउन हॉल 13 के लिए थी, ऐसे किस टाउन हॉल की वीडियो मुझे ज्यादा बनानी चाहिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ जो आप देखना चाहते हो जिस टाउन हॉल की उसी पर मैं फोकस करूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ अगली वीडियो किस टाउन हॉल पे, अपना बता सकते हो आप कौन से टाउन हॉल पे हो। एंड यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रही है भाई तो यार सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो। यार थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, एंड ऐसी सपोर्ट करते रहो। एंड चलो चलते हैं अब एक लाइव अटैक के ऊपर। थोड़ा पुराना अटैक है पर अभी भी सेम तरीके से हाइब्रिड काम करती है, हाइब्रिड कभी नहीं बदली भाई, तो यही सेम अटैक आपको अभी भी करना है। वेल गाइस, अब हम लोग यहाँ पे एक लाइव अटैक करने वाले हैं इस बेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड पे अपना जो है टाउन हॉल है और उसकी दूसरी वाली साइड पे हमारा यहाँ पे ईगल आर्टिलरी है, तो ये दोनों एक बार निकल जाएंगे फिर हम यहाँ पे हाइब्रिड करने का प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग क्वीन के साथ ना यहाँ पे जाने वाले हैं फॉर दी टाउन हॉल, तो चलिए ट्राई करते हैं भाई यहाँ पे क्वीन के साथ टाउन हॉल निकालने का, एंड फिर हम लोग सीज ब्लैक वगैरह के साथ यहाँ पे अपना ईगल आर्टिलरी निकाल देंगे। तो पहले क्वीन आएगी, पीछे से 5 हीलर्स आएंगे और यहाँ पे अपना एक टेस्ट लून एंड साथ में 2 अपने बेबी ड्रैगन ताकि क्वीन भटके ना, एंड थोड़ी फनलिंग बनाने की ट्राई करते हैं। वॉल भी ब्रेक कर देते हैं, ये वाली गलत वॉल ब्रेक कर दिया यार, 20 से करनी चाहिए थी तो ये पूरी वॉल खुल जाती। एक और वॉल ब्रेकर डालना पड़ेगा मुझे लगता है बिकॉज क्वीन इस साइड पे बढ़ रही है आगे। ओके फाइनली क्वीन अंदर चली गई, तो टाउन हॉल तो हमको मिल जाएगा 100%। यहाँ पे एक रेज बस यूज़ करना पड़ जाएगा मुझे लग रहा है, एंड मे बी एक फ्रीज भी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। यार एबिलिटी तो चली गई, यार कोई बात नहीं, एबिलिटी चली गई पर हमें टाउन हॉल एटलीस्ट मिल गया। तो स्टिल एबिलिटी मैं रखने की चाह रहा था भाई लेकिन गलती से थोड़ा लेट हो गया मेरे से, अगर थोड़ा सा हम फ्रीज जल्दी जाते थे हमारी एबिलिटी भी बच जाती, पर नो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे भी इजीली आगे बढ़ पा रहे हैं। हमारी क्वीन जो है ये वॉल कौन सी ब्रेक कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, ये वॉल ब्रेकर ये वाली वॉल को क्यों ब्रेक कर रहा है। एनीवेज जो भी है हम लोग यहाँ पर एक रेज वापस यूज़ कर लेते हैं, एंड यहाँ से क्वीन अंदर आ चुकी है भाई, और अब यहाँ पे अपोनेंट क्वीन को एक बार निकाल लें। एंड इस साइड से मैं अपना सीज ब्रैक और किंग को डाल देता हूँ, तो ये अपना ईगल आर्टिलरी निकाल देगा इस साइड से किंग, एंड इस साइड से हमारी क्वीन होपफुली अपोनेंट क्वीन को निकाल ले भाई, अगर निकाल ले तो अच्छी बात है वरना फिर देखा जाएगा जो भी होगा। एंड चलो हाइब्रिड स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी कम टाइम बचा है तो यहाँ से हम लोग अपनी पूरी हाइब्रिड ले आते हैं, जितने भी हमारे पास माइनर्स एंड हॉग राइडर्स हैं, साथ में हमारा ग्रैंड वार्डन एंड बचे हुए सारे ट्रूप्स, ऑफकोर्स हमारी रॉयल चैंपियन भी यहाँ से आ जाएगी, और इसके बाद हमारे पास एक रेस स्पेल है, तो उस एक रेस स्पेल को हम लोग पहले तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स है जहाँ पे ज़रूरी है कि हमारे ट्रूप जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। एंड साथ में यहाँ पर एक हील स्पेल भी यूज़ करना पड़ जाएगा, बहुत खतरनाक, ट्रूप्स की हेल्थ कम हो गई है। एंड अब मैं यहाँ पर वार्डन की एबिलिटी दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बीच में वैल्यू है भाई, इसलिए वार्डन की एबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़रूरी थी। एंड आई थिंक हमें हील स्पेल के साथ रेडी रहना पड़ेगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है हील स्पेल की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैप्स वगैरह हो सकते हैं, बीच बीच में आप स्पेस देख रहे हो वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लम में ट्रैप्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए एक हील स्पेल हमेशा बचा के रखने की ट्राई करना इन केस। देखो यहाँ पे एक जाइंट बॉम्ब निकला, तो यहाँ पर वैसे हमें जरूरत नहीं थी तब भी स्वैग कर देते हैं बिकॉज अब तो ये बेस निकल ही चुका है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी दे देते हैं भाई इस तरीके से, भाई ये वाला बेस अपना निकल चुका है और ये भी काफ़ी आसान था भाई, देखो हमारे सारे हॉग राइडर माइनर्स भी जिंदा बचे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको इस अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। एंड देखो जो बेसेस रिंग वाले बेस होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी फंस जाती है स्ट्रेटजी, रिंग वाले बेस में दिक्कत क्या होती है, क्वीन चार्ज जब आप करते हो तो आपकी क्वीन ऐसे घूमने लगती है, वो जिस जगह पर आप उसे ले जाना चाहते हो वहाँ जा नहीं पाती है वो, तो उन बेसिस पे स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके ऊपर ऑफकोर्स हम फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे।